Hello everyone, this chapter name is carbon and its compound. Firstly, we will see there are many pictures, pencil that contain graphite, diamond, coal, sugar, vinegar, candle, chalk and lighter, liquid lighter. What is this? He can, because some of these things are elements and some of these things are compound. Why? Because this is element, graphite. Graphite is element, diamond is element, coal is element. Okay. But sugar is compound because formula is C6H12O6. हम जानते हैं sugar का formula C6H12O6. Vinegar, acetic acid. Vinegar is acetic acid, is compound. Candle, what is this candle? Hydrocarbon, chalk. Okay, and gas lighter contain hydrocarbon molecules. Okay, these are the compounds, but graphite, diamond and coal is elements. In this chapter we will discuss about carbon and its molecule. We have seen so many pictures. These pictures are elements and compounds. Element and compounds. Elements ek carbon ka bana hota hai, while compound having the group of the molecules. Carbon and hydrogen and oxygen ke bane hote hain. Theek hai, so many molecules, so many atoms jude hote hain carbon ke sath, to usko hum compounds keh sakte hain. Jaise sugar C6H12O6 carbon, hydrogen and oxygen ka bana hota hai, to that is why it is called as the compound. Graphite is element because it contains only carbon. तो एलिमेंट्स क्या है? कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड, कोल. वाइल कंपाउंड्स शुगर, विनेगर, कैंडल, चॉक एंड गैस लाइटर. दीज आर द कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बेसिकली कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन and carbon means carbon. Wo compounds that forms of only carbon and hydrogen. That forms of only carbon and hydrogen. Okay, now there are two types of compound, organic compound or inorganic compound. In this video we will discuss about the organic compound. The living things, all the living things consist of ऑर्गेनिक कंपाउंड. लाइक अ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी किसकी बनी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी हुई है हमारी बॉडी भी. ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन प्रेजेंट होता है. जैसे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स. जैसे कि कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? प्रोटीन. हमें खाने में क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, शुगर चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए. तो सब पे क्या होता है? बेसिकली प्रेजेंट क्या होता है? कार्बन. बेसिकली प्रेजेंट क्या होता है? कार्बन एटम. तो जिस भी कंपाउंड में कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड. व्हाइल द रॉक्स एंड मिनरल्स कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. और हम देख सकते हैं चॉक क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. चॉक इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3. दिस इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक?
दिस इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बताइए, बिकॉज देयर इज नॉट कार्बन एटम. ओके, दिस इज कार्बोनेट, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज सोडियम. तो दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंट्स हमने पढ़े थे पहले, कोल, ग्रेफाइट और डायमंड, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन द कार्बन एटम. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड्स. कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. विनेगर, शुगर, गैस लाइटर और कैंडल, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक चौक और बेकिंग सोडा, चौक और बेकिंग सोडा. नाउ देर आर सम पॉइंट्स अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड. मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन्स, फैट्स, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते हैं. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है या मोस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी होती है. जैसे सोप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है, सेपोनिफिकेशन होता है उसका, तो वो सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो मिलियंस ऑफ थिंग्स होती हैं, लार्ज अमाउंट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिस इज हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन एटम ओनली. द कंपाउंड दैट हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. जैसे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बेसिकली अबाउट द हाइड्रोकार्बन. ओके, जैसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, यूज इन एवरीडे लाइफ, CNG, LPG, गैस लाइटर और कैंडल. दीज थिंग्स कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम. जैसे एलपीजी किससे बनी होती है, ब्यूटेन से बनी होती है और मीथेन होता है हाइड्रोकार्बन. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. दो स्ट्रक्चर हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक. एलिफेट, क्या इसमें डिफरेंस आपको लगता है, क्या डिफरेंस है इसमें? आप देख सकते हो एलिफेटिक 1, 2 और 3, देयर आर नंबर ऑफ द कार्बन एटम आर द सेम. कितने नंबर ऑफ द कार्बन एटम है तीनों स्ट्रक्चर में? 1, 2, 1, 2, 1, 2, सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम. बट हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2. क्या समझ आया आपको? मतलब इन तीनों स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम. बट हाइड्रोजन एटम नंबर अलग अलग है, कार्बन एटम सेम है. क्या डिफरेंस है? देखिए, देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. क्या डिफरेंस है? एथेन, एन, द कंपाउंड दैट हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड. नाम क्या होगा उसको? एन से. क्या होगा उसका नाम? एन. क्या होगा उसका नाम? एन. देखिए, अगर एक कार्बन एटम है तो मेथ होगा. अगर एक कार्बन एटम है तो मेथ होगा. अगर टू कार्बन एटम है तो एथ होगा. क्या होगा? एथ. अगर थ्री कार्बन एटम है तो प्रोप. फोर के लिए क्या होगा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट. फाइव के लिए पेंट.
तो वी कैन सी दिस स्ट्रक्चर एथ बिकॉज ऑफ देयर इज टू कार्बन एटम, मेथ के लिए वन एंड टू फोर एथ, तो एथ बिकॉज ऑफ द सिंगल बॉन्ड दिस इज एन, एथ प्लस एन, एथ प्लस एन, देयर इज टू कार्बन एटम एथ बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड इन, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड इन, ओके देयर इज कार्बन एटम टू, देन इट इज कॉल्ड एथ, बट देयर इज सिंग ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा इसमें आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आएगा, डबल बॉन्ड इन, सिंगल बॉन्ड एन, ओके। दिस इज अ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक मीन मतलब साइक्लिक, जिसमें हेक्सागन बनता है, हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कार्बन एटम, ओके सिक्स कार्बन एटम दैट बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन एटम, दिस इज द एरोमेटिक रिंग, इसे हम क्या बोलते हैं बेंजीन रिंग। नाउ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स एन इन, एन इन और आइन, हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड एल्केन्स, एल्केन मतलब प्लस एन, प्लस एन, डबल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, जैसे एथेन एथीन और एथाइन, एथेन एथीन और एथाइन, वी हैव सीन कंटेन सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम बट डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, ओके। नाउ कम टू द सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, व्हाइल द अनसैचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देयर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होता है सैचुरेटेड से, क्यों, क्या रीज़न है? बिकॉज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड इट इज वीकर देन द सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज वाई वी कैन कॉल द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वी कैन सी हाइड्रोकार्बन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विच आर वीकर देन द सिंगल बॉन्ड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ समरी इज हियर, कार्बन, कार्बन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, कंपाउंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स आर द ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड इनटू द फोर कंपाउंड एल्कोहल एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स वाइल द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, ओके। नाउ देर आर टॉप थ्री क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट क्वेश्चन आज फ्रॉम द लिस्ट बिलो सेलेक्ट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यू हैव टू ओके सॉल्व, एल्केन्स एल्किन एल्काइन्स और एल्कोहल, इसमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बाई कार्बोनेट, ओके। बट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर बिटवीन द एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइन, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।